मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार के सियासत से जुड़ी इस वक्त की जो बड़ी खबर है, चार लोकसभा सीटों के नतीजे फाइनल हो चुके हैं। बिहार में चार ऐसे लोकसभा सीट की बात करने जा रहे हैं जहां पर आरजेडी ने बड़ी जीत हासिल की है। आप आज ये कह सकते हैं कि बिहार में आरजेडी की बड़ी जीत हुई है। देखिए, चार सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट चुनाव जीत चुके हैं बिहार में। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि 23 सीटों पर चुनाव जीतने वाली आरजेडी चार सीटें जीती। देखिए, चार सीटें तेजस्वी ने जीता है और जीत बिहार में आरजेडी के लिए बड़ी जीत है। 2019 के चुनाव में आरजेडी 0 पर आउट हुई, चार सीटें अब तक आरजेडी ने जीत ली है बिहार में। और बड़ी खबर आपको दे दें, पाटलिपुत्र से लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती चुनाव जीत चुकी है। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से लालू यादव की बेटी मीसा भारती चुनाव जीत चुकी है, सबसे बड़ी खबर है। देखिए, मीसा भारती का मुकाबला जो है वो पाटलिपुत्र में रामकृपाल यादव से था। रामकृपाल यादव और मीसा भारती के रिश्ते की बात करें, चाचा और भतीजी के रिश्ते थे, और यहां पर मीसा ने रामकृपाल यादव को पछाड़ दिया है, जीत हासिल कर ली है, बड़ी जीत हासिल की है मीसा भारती ने पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर। तो यह सबसे बड़ी खबर है, आरजेडी की पहली जीत पाटलिपुत्र में। देखिए, दूसरे रिजल्ट की बात करें, दूसरे सीट की बात करें तो दूसरा है औरंगाबाद। औरंगाबाद से खबर यह है कि अभय कुशवाहा राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार चुनाव जीत चुके हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। बीजेपी के लिए चित्तौड़गढ़ बन गया था औरंगाबाद। लगातार वहां पर राजपूत जाति का प्रतिनिधित्व, सुशील सिंह बीजेपी के एमपी थे, सिटिंग एमपी थे, पार्टी ने इस बार भी टिकट देकर मैदान में उतारा था। लेकिन अचानक यहां पर तेजस्वी यादव ने एक नई रणनीति के तहत जेडीयू से आरजेडी में लाकर अभय कुशवाहा को टिकट थमा दिया। 2015 के चुनाव में अभय कुशवाहा चुनाव लड़े थे जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर, वो चुनाव जीते। 2020 का चुनाव हार गए, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव ने सीधे पार्लियामेंट भेज दिया जिताकर। अभय कुशवाहा सुशील सिंह को पछाड़ कर औरंगाबाद चित्तौड़गढ़ में जीत हासिल कर चुके हैं। एक बड़ी जीत आरजेडी के लिए औरंगाबाद लोकसभा सीट पर भी हुई है। देखिए, औरंगाबाद की जीत को आप आसान में नहीं ले सकते हैं, खास तौर पर बिहार में महागठबंधन ने जिस तरीके से इस बार एनडीए के लौकुश समीकरण को तोड़ा, जिस तरीके से कुशवाहा वोटर्स जो है वो एकजुट नजर आए, ना सिर्फ औरंगाबाद में बल्कि पूरे बिहार में एक तरीके से एक अलग मैसेज गया तेजस्वी यादव का, इस संदेश कि ए टू जेड की पार्टी आरजेडी है। और अब है कुशवाहा की जीत ये साबित कर रही कि ए टू जेड वाला मॉडल काम आया है तेजस्वी यादव के लिए। लेकिन आगे बात करें हम जहानाबाद की। देखिए, जहानाबाद सीट भी आरजेडी जीत चुकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। आरजेडी जहानाबाद लोकसभा सीट पर जीत हासिल कर चुकी है। आरजेडी के उम्मीदवार मैदान में थे सुरेंद्र यादव, चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जेडीयू के उम्मीदवार थे, और चुनावी अखाड़े में पछाड़ दिया है जेडीयू के उम्मीदवार को इस बार सुरेंद्र यादव ने। पिछली बार सबसे कम मार्जिन से सुरेंद्र यादव चुनाव हारे थे, इस बार बड़ी जीत हासिल कर ली है सुरेंद्र यादव ने जहानाबाद लोकसभा सीट पर। चौथे सीट की बात की जाए, देखिए चौथा सीट है बक्सर। बक्सर में आरजेडी के सुधाकर सिंह चुनाव जीत चुके हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। आरजेडी के सुधाकर सिंह बक्सर लोकसभा सीट पर चुनाव जीत चुके हैं। बीजेपी के मिथिलेश तिवारी को चुनावी मैदान में पछाड़ दिया है सुधाकर सिंह ने। ए टू जेड वाला समीकरण तेजस्वी यादव का यहां भी नजर आया। राजपूत बिरादरी से आते हैं और लंबे समय के बाद जो है यहां पर जीत आरजेडी की हुई है। जगदानंद सिंह की जगह को जो है वो उनके बेटे सुधाकर सिंह ने संभाल लिया है और सुधाकर सिंह चुनाव जीत गए हैं। राजपूत जाति से आने वाले सुधाकर सिंह आरजेडी के उम्मीदवार बने, किसानों के नेता कहे जाते, रामगढ़ के विधायक थे, और चुनाव जीत चुके हैं सुधाकर सिंह बक्सर लोकसभा सीट से। पार्लियामेंट आरजेडी के चार एमपी जीतकर बिहार से
जा चुके हैं। देखिए, हमने तेजस्वी यादव की जीत की बात की, खोने के लिए तेजस्वी के पास कुछ नहीं था, बिहार में जो था वो पाने के लिए था। 4 सीटें तेजस्वी ने अब तक पा लिया है बिहार में। फिलहाल लगातार जो काउंटिंग हो रही है उसकी अपडेट हम आपको टुडे बिहार न्यूज पर दे रहे हैं।